देखिए, देश काल और परिस्थितियां जब परिवर्तित होती हैं तो सब कुछ बदलता है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है ये कल नहीं रहेगा। मैं आपकी नजर एक शेर करता हूं कि शबे गम के सीने से खुशी का सूरज निकलने वाला है। शबे गम के सीने से खुशी का सूरज निकलने वाला है, और देवभूमि की फजाएं कह रही हैं बड़ी जल्दी मौसम बदलने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, अपनी तमाम कुर्बानियां देते हुए और इस देश को आजाद कराया। उसके बाद देश के निर्माण में पंडित नेहरू से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक कितने ही प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए। दो प्राइम मिनिस्टर हमारे इस देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान हुए। इंदिरा जी की शहादत हुई, हो सकता शाजिया इल्मी भले ही बीजेपी का एक राष्ट्रीय चेहरा हैं, लेकिन इस बात से वो इनकार नहीं कर सकती हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इंदिरा गांधी की शहादत हुई, राजीव गांधी के टुकड़े हुए और कितने ही हमारे नेताओं ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। लेकिन देश की जनता को हक है कि सरकार बदल दे और सरकार बना दे। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की कुछ कमियां या कुछ चूक, कुछ भूल देखी, उसके बाद नजारा बदल गया। लेकिन एक बात कंचन जी मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी का शासन इस देश पे बहुत सालों तक रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लेकिन इस गलतफहमी में बीजेपी नहीं रहना चाहिए, बीजेपी को नहीं रहना चाहिए और इस देश के तमाम मीडिया को भी नहीं रहना चाहिए कि बीजेपी हमेशा रहेगी या मोदी जी का शासन हमेशा रहेगा। देश की जनता जनतंत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, तमाम शक्तियां जनतंत्र में जनता में निहित होती हैं। देश की जनता जब चाहे तख्त पे किसी को बिठा देती है और जब चाहे तख्त से उतार देती है। हमें उम्मीद है कि अगला वक्त हमारा होगा।